मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होगे। तो वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग सीमा मुस्कान। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और इतनी गंदे तरीके से हुई ना पूछो मत। मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है रात से ही, और अभी मम्मी को पापा लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर आ जाएंगे तो दिखाते हैं, मम्मी से मिलवाते हैं आपको एक बार। ये मम्मी का फूड टेस्ट कर दिया मैंने। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। एक बार आप ठीक हो जाओ फिर आपकी क्लास लेंगे मिलके। इस मम्मी को ना सुबह से कुछ भी नहीं पच रहा, जो भी खा रही वही उल्टी। अभी एक बिस्किट खाया बड़ी मुश्किल से वो भी। मम्मी डॉक्टर कितने बजे तक आएगा? 9 बजे कहते गए। उठो फिर कंघी करवा लो। मेरे को नहीं उठा जाता मुस्कान वाली को तो इधर ही बाहर देखो। पापा पहले आप डॉक्टर को देखो जाके, मम्मी कह रही है फिर मम्मी को ले जाना। तैयार होगी मम्मी? क्या बेटे? डॉक्टर को देखो। एसपी कहाँ गए? कहाँ पे? एसपी गए नहीं देखने? पता नहीं, वो तो काम पे गए हैं शायद बंदे छोड़ने। डॉक्टर के पास गया और देखता हूँ। फोन कर लो पापा। ये वाला कमरा भी पूरा सेट हो गया। डीसी आया था, डीसी ने गुगी को पकड़ा था, अभी मैंने इसको वॉकर में डाल दिया। अभी बाहर से तो दिखाती हूँ आपको। ये वाला रूम भी पूरा सेट है, किचन भी साफ है, बस बर्तन लगाने हैं। नीचे कोई आया है? मम्मी आ गई है, अभी आ गए। तो पापा झुला रहे हैं गुगु को यहाँ पे, मम्मी वहाँ पे लेटे हुए हैं। यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए खिचड़ी बनाई है, पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। और वहाँ पे सब्जी भी बना दी, अभी रोटी बना देती हूँ। पापा और गुगु के पापा भी आ रहे हैं, डीसी को और फ़ोन कर लेती हूँ, पूछती हूँ। और ये देखो गाइज, हम खिचड़ी वाला कुकर है ना यहीं पर रख के बैठ गए। हम इधर रोटी खा रहे हैं, डीसी इधर, और उसके पापा ना गुगु को सुलाने की कोशिश कर रहे थे देर से, पर वो सो ही नहीं रहा। ओके, हमारा खाना डन है। नवरात्रि चल रहा है वैसे भी, हमने आपको विश नहीं किया नवरात्रों का। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीमा मुस्कान। तो आज हम लोग देंगे अपने कमेंट, आप लोगों के कमेंट के जवाब, ठीक है? तो शुरू करते हैं कमेंट्स। क्या कमेंट्स है बाबू? कुकु हेलो कर दो गाइस को, वो फैमिली हेलो कर दो, हेलो कर दो। ऐसे वो थोड़ा टाइम हो रहा है, फिर अपने आप हेलो करने लग जाएगा। चलो चलो शुरू करो। सारे पढ़ने हैं? नहीं, एक ही वाला, पहले तो यही पढ़ दो। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कमेंट है त्रिपद कौर, आप सब इतना सीरियस मत हो, ये सब ड्रामा था। सही पकड़ा है। इसी ने मेरे को बोला था कि छोटी सी प्रैंक वीडियो बनाते हैं, उसको डालते हैं लोग, बाकी सब लोग भी डालते हैं, तो हम भी ट्राई करके देखते हैं, डाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमें ना समझ ही नहीं आ रहा था, ये कहते क्या डाले, फिर इन्होंने अचानक से कैमरा, मैंने अचानक से कैमरा उठा के बोला, इसको लगा मैं सच में कह रहा हूं। और ना फिर कई जन ने ना समझ गए कि ना ये प्रैंक कर रहे हैं, और कई जनों ने मतलब उल्टा भी बोला, मतलब ऐसे क्यों करते हो, लेकिन ये बड़ी हेल्प करते हैं इस बात को लेके। मतलब ये कह नहीं सकते कि ये बच्चे को संभालते नहीं है कुछ भी, मेरे को तो कहते भी नहीं कि तू पकड़ लिया कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद से ही संभाल लेते हैं इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है कुमिता देवी, क्वेश्चन फैमिली इज द बेस्ट माँ। ये कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा बताना इसको कुमिता देवी जी, ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है राकेश जौहर जी का, माय फेवरेट कपल सीमा मुस्कान। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम हैं क्या ना सबके फेवरेट आप? आज वाले ब्लॉग पे भी इतने सारे कमेंट आए हुए हैं, लव बर्ड। तो ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है रितिन यादव, सीमा रे नमस्कार, आप बहुत रियल हो तभी मैं आपके सारे ब्लॉग देखता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। पहले तो सच में हम रियल है, हम कुछ आलतू फालतू बनाते हैं, तो कुछ नहीं डालते, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं डालते हैं ना, जो होता है जो रियल होता है वही डालते हैं। ये ना शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी हमने प्रैंक करने की, लेकिन हम बनी नहीं क्योंकि होता ही नहीं है ये वाला ड्रामा, कुछ भी नहीं होता। साक्षी भुकाल, नाइस व्लॉग मुस्कान दी, यार आपका बेबी बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच, मेरे पे गया ना इसलिए क्यूट है, मेरे पे गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट कमेंट ये है निकिता निक्की का कमेंट है, दीमित के शॉर्ट वीडियो भी डाला करो प्लीज। हाँ, मैंने शॉर्ट वीडियो का अलग से चैनल बनाएंगे, तो उस पर सारी शॉर्ट वीडियो डाला करेंगे, वहां जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना फिर फटाफट से।
रिंकी बोला जी आंटी जी सही बोल रही, बच्चा अभी ठंड है बहुत, फुल कपड़े पहनो। हाँ ये भी सही है, अभी दो चार दिन बारिश हुई ना तो इसको हम फुल कपड़े ही डलवा रहे हैं, अभी थोड़ा मौसम ठीक हुआ है जब इसको टी शर्ट डलवा दिया। ठीक है और चलिए नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। नीतू हसीजा उसका नाम बहुत गलत बात है, अंकल जी की नींद खराब करती है। भाई क्यों खराब करी? परेशान किया नहीं, मैंने बोला था चलो उसका जान उसके पंगे लेते हैं, गुगे को क्या करते हैं जाके बीच में सुला देते हैं अपने आप। उस टाइम की बात नहीं है ये, कल मैंने पापा और मम्मी सो रहे थे ना, मम्मी तो उठ गई थी, फिर मैंने कहा पापा को उठा दो चाय बनाने जा रही थी, मैंने कहा ये उठाएगा पापा को खुद, और पापा उठ गए थे इसको उठाने से, इसलिए बोला। बाकी परेशान करने वाली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं की परेशान किया, उनका टाइम हो रखा था उठने का, ठीक है तो इसलिए मुस्कान ने उनको दे दिया। आप ना गलत मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो हर एक चीज, नेगेटिव मत लेके जाया करो। आरिफ खान मुस्कान जी रिप्लाई भी कर दिया करो यार, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। तो ठीक है नेक्स्ट कमेंट है गाइस प्रीति शर्मा जी का, वेरी नाइस टुडे सिमर जी एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर मुस्कान, सी स्वीट दैट ही ट्राई टू मेक मुस्कान फील स्पेशल एंड इंस्पेक्टेड, सेकंडली अ बिग नोस यू डजंट नीड जॉइन जिम, थैंक यू सो मच, हिज लुक्स गुड, यस लिटिल वॉक एवरी डे इज अ गुड ऑप्शन टू स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच। आई नो मैंने इसको बोला था कि मैं जिम वगैरह नहीं होगी, मैं साइकिलिंग वगैरह कर लूंगा ठीक है, और हल्की फुल्की वॉक वगैरह कर लूंगा तो मैं ओके हो जाऊंगा। देख ले आया कमेंट, तो ये तो कर लो, आपसे तो ये भी नहीं होता, अब बोलो बच्चा होने के बाद तो फिर भी प्यार थोड़ा कम हो गया है, पहले तो और भी ज्यादा था, झूठ बोला कि सच बोला। ठीक है नेक्स्ट कमेंट है डिंकी बोला जी का, दोबारा से सिवन मुस्कान लव बर्ड्स नजर ना लगे दोनों कभी भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ठीक है गाइस नेक्स्ट कमेंट है गीत सुमी, सारे काम माँ ही करती है, बाप का भी कुछ फर्ज होता है, एक सेकंड सोया भैया, आप भी देख सकते हो बेबी को, एक लेडी जो कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर सकते, लेडीज पूरा घर संभालती है, सबको देख के चलना पड़ता है, जेंट्स तो जब बाहर जाते हैं तब बना खाना चाहिए, जब गलत क्यों लेके जाते हो भैया, आगे तो पढ़ लो आगे भी, अरे पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, अभी लेडीज को पढ़ती है क्या जिंदगी है लेडीज की, ये लिखा है यार। अच्छा। ऐसा नहीं है, आप लोग गलत मत लेके जाया करो, बार 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 मुस्कान भी बोलती है, मैं भी बोलता हूँ गलत मत लेके जाया करो, पहले बात को समझो उसके बाद लेके जाओ, पॉजिटिव लेके जाया करो, नेगेटिव मत। एक छोटी सी प्रैंक वीडियो डाली है और सबको शायद पता भी लग गया होगा कि मैं कभी ऐसे इसको बोलने और वाला, नहीं वाला। आपके कमेंट्स के नीचे ना वो जो जानते हमें मतलब अच्छे से जाने लग गए वो आपके पास कमेंट भी कर देते, रिप्लाई भी कर देते कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं है, प्रैंक था, वेरी बैड, ऐसा कुछ भी वो कमेंट कर देते हैं आपको, कर देते हैं आपको। बोले कि पापा अपन ढंग से पढ़ लो, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं उनके ऊपर है ना पत्थर बरसा रहे हो, पढ़ नहीं रहे सच्ची, अपना लैंग्वेज सुन के देखो, मेरे को वो काट दियो ना, वो काट दियो ना, जो बोले बीच में मेरे को अजीब लग रहा है, उनको कितना अजीब लगेगा, अगर जो बोले वो काट दियो, बोलने का तरीका भी देखो अपना, क्या मैं ऐसे बोलता हूं, ऐसे बोल आ तो नहीं बोलता कमेंट में, ऐसा लग रहा है जो पत्थर बरसा रहे उनके ऊपर, कमेंट्स के जवाब नहीं दे रहे यार, नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, सुन के देखो अपनी लैंग्वेज एक बार। तो ठीक है नेक्स्ट कमेंट है सुप्रिया ढल जी का, ऐसे बोलो देते जो तो ठीक है गाइस नेक्स्ट कमेंट है सुप्रिया ढल जी का, ठीक है वेरी ब्यूटीफुल ब्लॉग, गॉड ब्लेस योर फैमिली, आपका बेबी बड़ा क्यूट है, थैंक यू सो मच, छोटी मोटी नोकझोंक हम दोनों मैया बीवी में हो जाती है, तो डिंकी बोला जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जसलीन कौर जी का, यार आपका अभी तो बहुत रूड बिहेव करता है आपसे, इतना ही बच्चे का है तो खुद उठा ले, जरूरी माँ ही उठाएगी उसको, फोन से यूज करना दिख गया, अपना फोन यूज करना नहीं दिखा, वाह भाई वाह, वाइफ पे तो इतना ऑर्डर करते हैं,
ना जैसे कि उनकी मर्जी ही नहीं है शादी के बाद, ऐसा नहीं है जसलीन कौर जी। मैं सीरियसली, वो एक प्रैंक था, सबको पता है, वो एक छोटा सा प्रैंक था और कुछ भी नहीं था, इसको भी पता है, ठीक है। मैं कभी भी इसको ऐसे कभी भी नहीं बोला, मतलब हमारी शादी को 1.5 साल हो गए, मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं बोला ये क्या कर रही है, फोन क्यों चला रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, छोड़, कभी नहीं। एक बस छोटा सा प्रैंक था, ज्यादा सीरियस मत लिया करो, पहले बात को समझा करो फिर जाके कमेंट किया करो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट कमेंट है अर्चना शर्मा जी का, कंग्रेचुलेशन बेटा, गॉड ब्लेस यू, माता रानी सबकी बेटियों का, ऐसे सास ससुर परिवार दी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है साहिल यादव जी का, लव यू बोथ ऑफ यू, जल्दी से आपके 1 मिलियन हो जाए, हाय जल्दी से हो जाए, थैंक यू सो मच। अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत भी लगने वाली है, बहुत टाइम भी लगने वाला है, लेकिन हाँ हो जाएंगे जरूर, मुझे इतना पता है, बेबी के साथ थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है नीतू हासिजा जी का, इनका कमेंट है मेरे पास था आप लोग तो आए नहीं मेरी दुकान पे, हमें नहीं पता था, और मैंने शायद हाँ ट्राई किया था, मैंने काफी जगह ट्राई किया था, लेकिन मेरे को जिस शॉप से लेना था ना, जिसपे मेरे को ट्रस्ट था, क्योंकि इतनी महंगी चीज ले रहा हूँ, छोटी चीज तो देखो मैं ले नहीं रहा ना, तो थोड़ा सा मन में यूं था कि ऐसे बंदे से लूं जिसको मैं जानता हूं, पहचानता हूं, 2-3 दिन लेट हुआ कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ मन को ये तसल्ली है ना कि फोन मेरा ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फोन मेरा ठीक जगह से आया है, ठीक है। तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम हाँ आपकी शॉप पे जरूर आएंगे, आप कमेंट करके अपना एड्रेस जरूर बता देना। तो चलिए अभी अगला कमेंट है, आप चलते हैं अगले कमेंट से, पंजाब, जो पंजाब भी होके आए थे हम, ठीक है। तो एक कमेंट है हुआ है सुमन चंदर जी का, उनका कमेंट आया हुआ, योर मदर इन लॉ एंड हर सिस्टर लुक ट्विन सिस्टर, यार सीरियसली अभी तो क्या हो गया ना, मासी जी चश्मा डालते हैं, नहीं डाल रखा था वीडियो में, एक तो चश्मा डालते हैं वो, इस वजह थोड़े सेम सेम लगते हैं, थोड़ा हाँ फेस भी उनका मिलता है, हाइट थोड़ी मासी जी की थोड़ी सी ज्यादा है, मम्मी जी की थोड़ी सी कम है, बाकी हाँ ठीक है, वो ट्विन सही कह रहे हो आप लोग, वो दिखते है कैसे, मेरे को नहीं दिखा यार, अरे दिखते हैं जैसे बाबू, मेरे को तो मासी अलग दिखती है, मम्मी अलग दिखती है। क्या हुआ है? तो नेक्स्ट कमेंट है मुन्नमी बोरा जी का, भाभी कितनी खूबसूरत है, सच में हमारी भाभी बड़ी सुंदर है और हाइट भी अच्छी है भाभी की, तो और भाभी के लिए ना कमेंट्स करो अच्छे अच्छे ताकि भाभी और खुश हो जाए। नेक्स्ट कमेंट है एकम वीडियोस का, सुपर से ऊपर एंड ते मैं ते मनु रह गए, मिस यू ऑल दीदी, आप और मनु दीदी आए नहीं ना इसलिए हमने खूब मजे किए, देखो कितने सारे मजे किए, आप होते तो और भी मजा आता, हाँ लेकिन आप थे ही नहीं, चलो इस बार ना यहाँ पे आ जाना गर्मियों की छुट्टियों में सारे जने, मासी जी आप मनु दीदी सब आ जाना यहाँ पे हमारे घर पे, ऊपर वाला कमरा अपने लिए बुक कर लेंगे, गद्दे गद्दे लगा लेंगे सब जना, हाँ रात को चकले मारेंगे, हाँ चकले नहीं मारेंगे, वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, फुल मस्ती करेंगे, अपा इनको भेज देंगे नीचे वाले कमरे में डीसी के पास, ठीक है ना नूने, भेज देना भाई। तो नेक्स्ट कमेंट है जय श्री आशीर का, आशीर जी का, इतना अच्छा व्लॉग है पर सब्सक्राइब नहीं आते, पब्लिक को मसाला ही चाहिए, अच्छा व्लॉग नहीं देखते, नाइस व्लॉग, थैंक यू। ये बात सच है, पब्लिक को ना मसाला ही चाहिए, अगर हम ये डालेंगे ये हो गया तो पब्लिक है ना मतलब ऐसे देखेगी जैसे पता नहीं क्या हो गया है, और ऐसे रियल व्लॉग है ना पब्लिक देखना पसंद ही नहीं करती, सच बोला आपने, थैंक यू। यहाँ पे पापा खा रहे रोटी, शाम के टाइम हो गया, देखो पापा का रोटी खा, और मम्मी कर रही हैं जूस बनाया मम्मी ने, और इतना कोड़ा पता नहीं मम्मी कैसे पियेंगी, कैसे पियोगे इतना कोड़ा, अपने भी इतना कोड़ा ही पीता, छोड़ दो आप जाओ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बुबू के साथ बाहर घूमने के लिए, और चलिए ये रो ही जा रहे थे ना, चलो 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 आ जाओ, चच्चू भी आ गया, डीसी भी आ गया और इसके पापा भी तक नहीं आए, हमें नीचे वेट करी जा रहा है गली में, देखना खड़े होके ये पहले ऊपर जा रहा है, कह रहा मैं नहीं जाता, मैंने कहा चल तू छोटी गाड़ी लगा के आएंगे, तो गाइस अभी हमारी लिफ्ट भी नहीं आई, डीसी उनको फोन करी जा रहा है,
और हमें ना 5 मिनट से ज्यादा होगी नीचे खड़े खड़े वेट करते करते। गुगू का भी मुंह लटक गया है ना गुगू सी पपनिया। आज हम इस साइड से वेट कर रहे थे लेकिन इसके पापा आए आ उस साइड से रही है। देखो ये आ गए भाई। रहने दो स्पेशल टाइम निकाल के देखते हो तो नहीं मैं देखता हूँ जहाँ पे मैं आता हूँ वो देखता हूँ मैं। रहने दो। आज मोमोज वाला मिला था वो फिर क्या कहता छोटा राम जोक वाला कहता भैया आपका यूट्यूब चैनल है ना। मैं कहा कहता मेरा छोटा भाई बता रहा था वहाँ पे जाते हो ना। मैं कहा कहता हाँ कहता कितने फॉलोअर्स आपके। मैं कहा 28 के। कहता कहता कि ना हाँ मेरे भाई ने भी चैनल चालू किया उसके जा रहे थे। गुगी कैसे चिपक के बैठी हुई है आगे के लिए गोले के पापा। देखो कैसे देख रहा है पीछे से। आगे जा रहा है। और इस बंदर को देख लो कैसे छेड़छाड़ कर जा रहा है। हवलदार कुछ बोलता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आ चुके अपने मोमोज वाले के पास है ना। उसने देख लिया कैसे मुझ पर। चलो सही है मोमोज खाते। कौन से मोमोज खाने बाबू झुकल लिए थे। चलो सही है ये भी सही है। हाफ वेज लेते हैं हाफ नहीं लेते हैं ठीक है। और आए क्या भाई आए क्या उन्हें खाए हुए मग्गू था कोई और था मग्गू था उसने घर के लिए चाप पैक कराया। मैंने चाप वाले को आज फोन मारा गिर जी चाप पे। मैं कहा भैया हाफ मलाई आप ग्रेवी 6 बटर रोटी पैक कर दो। कहता ठीक है आधे घंटे बाद फिर होगी पैक। कहता बस और ये भैया 2 मिनट और रुको। ये लो एक और आ गया। कहता 2 मिनट और रुको। ये मेरा भाई है दोस्त है भाई लगा लो दोस्त लगा लो एक ही है। क्यों बटेगी। हाँ जी इस घर थोड़ी रहे आ जाओ लगाओ साइड में आ जाओ आ जाओ आ जाओ पीछे लगा दो ना आगे जगह नहीं है। तो गाइज खाना पीना सब डन हो गया है चलते हैं ऊपर। मम्मी आपकी तबीयत कैसी है अब। मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी ढीली है सुबह देखते हैं सुबह तक आराम आता नहीं आता।